सारे स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए यह होमवर्क है, जिसमें एस्टीमेट आपको बताया गया। इससे पहले आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बताया गया था, और आज के वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है नियरेस्ट 10 में बताया गया है। तो आप जो है इसको करेंगे, और ये देख लीजिए, 6 वालों ने कहा था कि ये क्लियर नहीं आती है, इस वजह से यह क्वेश्चन आप देख लीजिए आराम से, ये सारा क्लियर है क्वेश्चन। एस्टिमेट आपको इसको नियरेस्ट 10 में बदलना है। सेकेंड नंबर, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट राउंडिंग ईच ऑफ द, काफ़ी एकदम क्लियर है, और इससे ज़्यादा क्लियर तो शायद हम नहीं दे सकते हैं। काफ़ी बहुत क्लियर आपको फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं, जहाँ तक संभव हो सकता है। ये आपके पास क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे, और यहाँ 21 नंबर का हम 19 में इधर से कर दिए, ये 21 नंबर के क्वेश्चन। और इसके आगे वाला भी एक है, डिवीज़न वाला भी आपको बताए थे, तो उसके लिए भी एक सवाल है, तो आप ये डिवीज़न का देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है, एस्टिमेट क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एफ नंबर 1KF, एक्सरसाइज 1F, और हमारा जो है ये एस्टिमेशन वाला जो चैप्टर है ये लगभग समाप्त हो चुका है, तो आप लोग इसको सुंदर तरीके से बनाएंगे। तो ये आपको एक सवाल ये हुआ, दूसरा आपके पास ये क्वेश्चन है, ये है दूसरा, और तीसरा इसके ऊपर है, उसको भी दिखा दें आपको, ये है तीसरा क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से बनाएंगे। स्टैंडर्ड 6 के लिए यह आपको वीडियो है। धन्यवाद।